हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल काजू मसाला करी। बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आई एम श्योर आप इसे हर वीकेंड पे बनाएंगे, बहुत ही लजीज बनती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप काजू लिए हैं और इनको मैं रोस्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल डाला है कढ़ाई में और इनको रोस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने काजू को रोस्ट कर लिया है। अगर आप रोस्टेड काजू यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप काजू कच्चे वाले यूज़ कर रहे हैं तो उनको आप रोस्ट कर लें। थोड़ा सा ऑयल डाल के इस तरह से भून लें। तो काजू हमने रोस्ट करके निकाल लिए हैं। थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में मैंने और ऐड कर लिया है। अब इसकी हम ग्रेवी बनाएंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा साबुत गर्म मसाले, जिसमें हैं 4 से 5 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, थोड़ा सा जीरा ऐड करेंगे आधा चम्मच। जीरा जैसे इसमें चटकने लगेगा उसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करेंगे, जिसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे थोड़ा सा अदरक, 6-7 कलियाँ लहसुन की, और ये एक साथ ऐड कर देंगे और इनको थोड़ी देर भून लेंगे। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इनको भूनेंगे। तो प्याज लहसुन को हम इस तरह से भून के जब ग्रेवी बनाएंगे इसकी, तो बहुत ही टेस्टी ग्रेवी बनेगी इसकी। इस तरह से आप जब भी ग्रेवी बनाते हैं तो आपकी ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ये हमने प्याज को भून लिया है। अब इसमें हम 2 मीडियम साइज़ के टमाटर रफली चॉप करके ऐड कर लेंगे। तो टमाटर को भी साथ में भूनेंगे। 1 हरी मिर्च मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप यहाँ पे 2 हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो 1 हरी मिर्च को इस तरह से काट के यहाँ पे ऐड कर देंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे ये टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इसे भूनेंगे। बस मिक्स कर दिया है मैंने इसे और अब इसको कवर करके मैं 2 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने दूंगी, जिससे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 2 मिनट बाद ये देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसे हम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ठंडा होने देते हैं इसे। तो ये हमने ठंडा कर लिया है और अब मैं इसे एक मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। तो मैं इसे पीस लूँगी। पीसने से पहले मैं इसमें थोड़े से काजू ऐड कर रही हूँ। जो हमने काजू रोस्ट करे हैं उसी में से थोड़े से मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार कर रहे हैं। ग्रेवी तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ले लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल और इसको गर्म कर लेते हैं। इसको मैंने पहले गर्म किया है अच्छे से, फिर फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है और अब इसमें हम ये मसाला ऐड कर रहे हैं। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। नमक थोड़ा सा ध्यान से ऐड करें क्योंकि हमने पहले भी नमक इसमें ऐड किया है। तो अब इन मसालों को हम थोड़ा सा भूनेंगे। बिल्कुल मैंने लो फ्लेम रखी हुई है जिससे मसाले हमारे जले ना। तो लो फ्लेम पर आप इसे थोड़ी देर के लिए, आधा मिनट के लिए भून लें और उसके बाद इसमें ये जो हमने ग्रेवी तैयार की थी जिसे हमने पीस लिया है, वो पेस्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें, मिक्स कर लेते हैं पहले। तो इसे फटाफट से आप मिक्स कर लें, नहीं तो मसाले थोड़े से जल सकते हैं। तो इसलिए आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखें इस टाइम पे। और अब इस पानी ऐड करके कटोरी में जिसमें मसाला था वही पानी में यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी ऐड कर लिया मैंने इसमें, और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें ऐड किए हैं काजू। काजू की वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो जाएगी, यानी कि ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के पतला करेंगे ग्रेवी को, और उसके बाद हम इन मसालों के साथ इसे भूनेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हम ग्रेवी को, मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे।
तो 3-4 मिनट के बाद हमारा मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और ऐड करेंगे, जिसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी कसूरी मेथी, तकरीबन 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ इसमें। 2 टीस्पून में यहाँ पे मलाई ऐड कर रही हूँ, ये दूध के ऊपर वाली मलाई है, आप चाहें तो फ्रेश क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी और मलाई डालने से हमारी ग्रेवी का टेस्ट बिल्कुल अलग हो जाएगा, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। 1-2 मिनट के लिए इसे और चलाते हुए पका लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी जो ग्रेवी है पहले से काफ़ी थिक हो गई है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, जिससे ये थोड़ी सी पतली हो जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर लिया है और ग्रेवी हमारी थोड़ी सी पतली हो गई है और ग्रेवी में बॉईल भी आ गया है, तो अब इसमें हम काजू ऐड कर लेंगे। मिक्स करेंगे और काजू को यहाँ पे हम सिर्फ 1 मिनट के लिए ही पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हल्के से क्रंची रहने चाहिए काजू अंदर से। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब हम इसे खाते हैं, हल्के से क्रंची रहते हैं काजू। तो ये हमारी काजू मसाला करी बन के रेडी है। 1 मिनट के लिए मैंने इसे पका लिया है ढक के और ये बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ ऐड करेंगे, बिल्कुल ज़रा सा गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून के करीब ऐड कर लेंगे, जिससे हमारी जो ग्रेवी है उसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू ऐड हो जाएगी। तो लास्ट में आप गरम मसाला थोड़ा सा ऊपर से स्प्रिंकल करते हैं ज़रा सा। तो बस हमारी ये काजू मसाला करी बिल्कुल रेडी है। तो इसे 1 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे और उसके बाद हम इसे सर्व कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट ही सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी काजू मसाला करी जो है, ग्रेवी जो है, बहुत ही अच्छी बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। और आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आप इसे हमेशा बनाएंगे। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही रिच ग्रेवी बनती है इसकी और बहुत ही रिच रेसिपी है। तो ये हमने कर ली है सर्व और अब इसको हम थोड़े से हरे धनिए के साथ गार्निश कर लेंगे ऊपर से। ये बहुत ही अच्छी है, दिखने में भी बहुत अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक हमेशा शेयर ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।